विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बीने की ढाना ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे रोड नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, शमशान घाट नहीं है और स्कूल तो है लेकिन बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है, जो कि सड़कें भी कीचड़ में तब्दील है। जो कार नहीं कराना चाहती है वो हमारे ढाना तक, हर जो भी कार रहता है, जो भी कोई योजना आती है पंचायत को, तो वो हमारे ढाना तक नहीं पहुंचती है। तो हम चाहते हैं, जैसे आज तक क्या हुआ है कि हमारा यहाँ पे छोटा सा अभी शमशान घाट की बात करें तो वहाँ भी हमारे ढाने में शमशान घाट तक नहीं है। लोग जो लोग हैं वहाँ पे, तो वो लोग अभी तक हमारे मतलब खेतों में जलाते हैं, लेकिन ऐसे भी गरीब लोग हैं वहाँ पे जिनका खेत भी नहीं है, तो उनको बड़ी समस्याएं होती है अपने मतलब परिजन को ये अंतिम संस्कार करने में। और वहाँ पे आज आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी की बात करूँ तो आंगनबाड़ी आज तक वहाँ पे नहीं है, जो घर पे आंगनबाड़ी लगती है। मतलब अगर सरकार की अगर कोई सुविधा है तो वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँची है। तो हम आज आवाज़ उठाते हैं कि हमारी वहाँ पे जो भी है जो भी समस्या है वो निराकरण हो और हमारा काम हो। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।